तो आज हम बात करेंगे त्रिभुज की। यह भी ज्यामिति के अंदर ही आता है। तो त्रिभुज क्या होता है, नाम से समझ में आ रहा है, त्रिभुज ट्रायंगल, त्रि का मतलब होता है तीन, भुज का मतलब भुजाएं, ठीक है। तो ऐसी आकृति जिसमें तीन भुजाएं, ठीक है। लेकिन अगर इसकी हम परिभाषा दें तो यह बनेगी कि तीन भुजाओं से या तीन रेखाखंडों से बनी एक बंद आकृति, उसे हम त्रिभुज बोलेंगे, ठीक है। जैसे ये क्या है, त्रिभुज। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे तीन रेखा खंड है और ये बंद होनी चाहिए, खुली नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये हो गया त्रिभुज, ठीक है। त्रिभुज में क्या गुण क्या होते हैं इसके, मतलब कितनी इसमें भुजाएं होती हैं, कितने कोण होते हैं। तो त्रिभुज का मतलब यहाँ पे तीन भुजाएं, यहाँ कौन कौन तीन भुजाएं हैं, बी सी, ए सी और ए बी, ठीक है। और कोण की बात करें तो अभी इसके पहले वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि कोण क्या होता है, दो किरणों के झुकाव को। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे, इन दो किरणों के झुकाव से एक कोण ये बन रहा है, इन दो किरणों के झुकाव से ये बन रहा है, और इन दो किरणों के झुकाव से ये कोण बन रहा है। अर्थात इसमें तीन भुजाएं होती हैं और तीन कोण होते हैं। और शीर्ष की बात करें तो शीर्ष कितने हैं, एक शीर्ष ये है, एक शीर्ष ये है, एक शीर्ष ये है, तो तीन इसमें शीर्ष होते हैं, ठीक है। और अगर इनके कोणों के योगफल की हम बात करें तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितने अंश होते हैं, 180 अंश। तीनों का योगफल 180 अंश होना चाहिए। अगर इससे कम या इससे ज्यादा है तो वह त्रिभुज नहीं बन सकता है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर हमें त्रिभुज बनाना है और हमें भुजा ज्ञात है, भुजा दी हुई है, अब अगर हमें ये ज्ञात करना है कि क्या इन भुजाओं से त्रिभुज बन सकता है या नहीं बन सकता है, तो इसके लिए ये ध्यान रखिएगा कि किन्हीं दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से हमेशा अधिक होना चाहिए। अगर ऐसा है तभी त्रिभुज बन सकता है, अन्यथा त्रिभुज नहीं बन सकता, ठीक है। तो दूसरा गुण हो गया कि किन्हीं दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो अब हम बात करते हैं कि त्रिभुज के प्रकार की, ठीक है। तो त्रिभुज के जब हम प्रकार की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल अगर हम बोलेंगे, तो इनको हम दो तरीके से बताएंगे। एक होता है कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, और दूसरा होता है कि कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। जो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला क्या होता है, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, इसे हम बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का क्या मतलब है, इसके नाम पे ही इसकी परिभाषा छिपी हुई है। सम का मतलब बराबर, बाहु का मतलब भुजा, मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं, ये तो पता है कि त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, तो इसका मतलब कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, उन्हें हम क्या बोलेंगे, समबाहु त्रिभुज बोलेंगे, ठीक है। इसका एग्जांपल ये, मतलब भुजा ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी, अगर ये तीनों भुजाएं बराबर हैं तो उसे हम बोलेंगे किस प्रकार का त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। दूसरा होता है सम वी बाहु त्रिभुज। अब सम द्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, तो बच्चों यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार की डिफिनीशन लर्न करने की जरूरत नहीं है, बस उसको आप समझ लीजिए, उसे आप अपने से आसानी से लिख सकते हैं। क्यों,
हूँ क्योंकि उसके नाम में ही उसकी परिभाषा छिपी रहती है। जैसे समबाहु का भी मैं आपको बताई, वैसे ही सम द्विबाहु, तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यही सम का मतलब क्या होता है, बराबर, द्वि का मतलब क्या होता है, दो, बाहु का मतलब क्या हो गया, भुजा, ठीक है। तो इसका मतलब वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो उन्हें हम कैसे त्रिभुज बोलेंगे, सम द्विबाहु त्रिभुज। मतलब इसका एग्जाम्पल देखिए कुछ ऐसा, ये और ये बराबर, मतलब ए बी बराबर, यहाँ पे क्या है ए सी, मतलब ए बी और ए सी भुजाएं बराबर, दो भुजाएं बराबर है, तो ए बी सी किस प्रकार का त्रिभुज हुआ, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। तीसरे त्रिभुज की बात कर लेते हैं, विषमबाहु का मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर ना हो उसे हम क्या बोलेंगे, विषमबाहु त्रिभुज बोलेंगे, ठीक है। कैसे, ठीक है, इसमें ए बी बराबर नहीं है इसके बी सी के, और बी सी बराबर नहीं है इसलिए, बच्चों भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। अब हम बात करते हैं कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज तीन ही प्रकार का होता है, ठीक है, बस नाम लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। पहला हो गया यहाँ पे न्यून बोल त्रिभुज, नाम सुना सुना लग रहा है आपको, कल की क्लास में मैं आपको बताई थी न्यून बोल क्या होता है ना, बस उसी से रिलेटेड है ये। समकोण त्रिभुज, ये भी नाम सुना होगा आपने। और तीसरा हो गया अधिक बोल त्रिभुज, तीन प्रकार के हो गए। तो जैसे हम कल न्यून कोण बताए थे क्या होता है, क्या होता है न्यून कोण, जीरो अंश से अधिक, मतलब ऐसा कोण जिसके अंश में आप जीरो से अधिक हो और नब्बे से कम, वो न्यून कोण। बस वही चीज़ आपको यहाँ करना है। तो ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून कोण है, अर्थात तीनों कोणों की माप नब्बे अंश से कम, उसे हम क्या बोलेंगे, न्यून कोण बोलेंगे, ठीक है। ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। यहाँ आप देखिए तीनों कोण 90 अंश से कम ही बन रहा, तो ये हो गया न्यून कोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तो कल मैं बताई थी समकोण क्या होता है, 90 अंश का अंश मतलब, तो 90 अंश से कोण को हम क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं। इसका मतलब ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितने अंश का हो, 90 अंश का, ठीक है। तो ये आपका बन गया समकोण। बात करते हैं अधिक कोण त्रिभुज के, तो अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं, किसे बोलेंगे, वह त्रिभुज जिसका अंश मान 90 अंश से अधिक हो, मतलब उसे हम क्या बोलते हैं, अधिक कोण बोलते हैं। ये कल की क्लास में आपको बताई थी, है ना, तो वही चीज यहाँ पे भी है कि अधिक कोण त्रिभुज किसे बोलेंगे, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश से अधिक हो उसको हम क्या बोलेंगे, अधिक कोण त्रिभुज बोलेंगे। यहाँ पे आप देखिए ये कोण जो बन रहा है वो 90 अंश से अधिक बन रहा है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा बच्चों यहाँ पे कि तीनों कोणों का अंश मान 180 अंश से अधिक या कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, ठीक है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय की।
हमें क्या है कि यह समकोण त्रिभुज से रिलेटेड है, अर्थात समकोण त्रिभुज में अगर आप देखेंगे तो यहाँ तीन भुजाएं हैं, है ना। तो लेकिन इन तीनों भुजाओं का यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग अलग अलग नाम है, ठीक है। ये हो गया आधार, ये हो गया लंब और ये हो गया कर्ण, ठीक है। अब ये हमें कैसे पता चलता है कौन लंब कौन आधार और कौन कर्ण? तो सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा बच्चों कि 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा जो होती है वो कर्ण होती है। कैसे? ये 90 अंश है, 90 अंश के ठीक सामने कौन सी भुजा आ गई? एसी। ये क्या है? कर्ण हो जाएगा, ठीक है। लंब और आधार इससे पता चलता है, अगर थीटा आपको दिया है, मतलब कोई यहाँ पे अंश दिया है कि ये मान लीजिए दिया है 45 अंश, ठीक है, इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है, ठीक है। अगर नहीं दिया है तो आप किसी को भी लंब या किसी को भी आधार ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि इन तीनों में एक प्रकार का संबंध होता है, तो वो संबंध क्या है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर है आधार स्क्वायर, ये है पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों? तो अब मैं आपको बता दूँ कि कुछ क्वेश्चंस इससे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो इससे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया कि लंब है, इसी त्रिभुज का लंब है 4 सेंटीमीटर और आधार है 3 सेंटीमीटर, तो कर्ण बताइए। बस इसी फॉर्मूले में ये दोनों रख देना है, ये लंब दिया है और ये आधार दिया है, तो कैसे निकालेंगे? हमें कर्ण निकालना है, तो कर्ण की तो हम एज इट इज रखकर रहने देंगे, लंब की जगह 4 दिया है 4, बाकी सब चीज एज इट इज जैसे का तैसा उतार देना है, प्लस है तो प्लस, आधार आधार का मान 3, ये हो गया, ठीक है। अब स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि 4 यहाँ पे 2 बार है, 2 बार उड़ा 4 चौक 16, 3 बार उड़ा 3 का 2 बार उड़ा 3 त्रिकाई 9, 16 और 9 जोड़ लीजिए कितना होता है 25, ठीक है। 25 किसका वर्ग है? 5 का वर्ग, मतलब 5 × 2 = 25 होता है, यहाँ से 2 और 2 कैंसिल कर दीजिए तो कर्ण कितना है 5 सेंटीमीटर, इजी था, ठीक है। और कोड़ों के अकॉर्डिंग कैसे क्वेश्चन आते हैं वो देख लीजिए, जैसे यहाँ पे कोड़ बी का मान दिया है 60, कोड़ ए दिया है 50, कोड़ सी पूछ रहा है कैसे निकालेंगे? तो जैसे कि अभी आपने यहाँ पढ़ा है त्रिभुज के तीन अंतर कोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश होता है, इसका मतलब ये प्लस ये प्लस ये कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। अब ए और बी का मान आप रख दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, हमें ये इसका मान निकालना है, ये यहीं पे रहेगा, इसको हम क्या करेंगे उधर पक्षांतर कर देंगे या ट्रांसपोज कर देंगे। पक्षांतर जब आप करेंगे तो यहाँ ये प्लस का चिन्ह उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, बाकी सारी संख्याएं वैसे ही रखी रहेंगी, सी का सी रख दिए बराबर का बराबर, 180 लिखा था तो 180 लिख दिए, फिर इसको घटा दीजिए कितना आ गया कौन सी का मान 70 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है बच्चों, एक बार इसे अपने से प्रयास करिएगा।